नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में हुई भारी बारिश पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश को देखते हुए केंद्र सरकार से हर संभव मदद करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष ने बारिश की वजह से हुई मृत्यु पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि ईश्वर मृतक आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। उन्होंने प्रदेशवासियों सहित यहां घूमने आए पर्यटकों से अपील की है कि वे बरसात में अपने घर में सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है 13 लोगों की जान चले गई है, जो एक बहुत दुखद समाचार है। मैं सभी परिवारजनों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। इसके अतिरिक्त अनेकों जगह से बहुत बड़े नुकसान की, बहुत सारे पुल, बहुत सारे भवन, निजी मकान की क्षति जो हुई है वो मैं समझता हूँ कि आज से पहले कभी नहीं हुई है। पिछले कल मेरी मुख्यमंत्री जी से मेरी विस्तार से बातचीत हुई है। हमने कहा आओ इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम सब लोग मिल करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो संकट में हैं जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए आगे आएँ, और हर तरह का सहयोग का आश्वासन मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपनी पार्टी की ओर से दिया है। इसके अतिरिक्त मेरी बात पिछले कल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी विस्तार से हुई है। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि NDRF की टीम हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, अगर और ज़रूरत है तो वो भी भेजने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में एयरफोर्स के हम हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी में हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, इस कारण से उसमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि आज अगर मौसम ठीक होगा तो आज वो हेलीकॉप्टर ज़रूर भेजेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। लेकिन मुझे इससे पहले ये खुशी है इस बात की कि NDRF की टीम ने नगवाई में फंसे हुए उन 6 लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफलता हासिल की, और जो जानकारी मुझे मिली है कि आज सुबह मनाली में आलू ग्राउंड में जो लगभग 30 के करीब लोग फंसे थे उनकी ज़िंदगी को बचाने में भी सफलता हासिल की है। पूरी NDRF की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी बात आज सुबह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हुई। आदरणीय नड्डा जी ने हिमाचल की परिस्थितियों पर जो बाढ़ के कारण बनी हैं अपनी चिंता व्यक्त की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं हिमाचल प्रदेश के सभी उन परिवार के सदस्यों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, और उन्होंने इस बात के लिए भी पार्टी के लिए आदेश दिए हैं कि हर क्षेत्र में हम लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए आगे बढ़ कर के काम करें। सभी विधायकों को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को भी इस बात के लिए आग्रह किया कि अपने अपने क्षेत्र में रह कर के लोगों के लिए इस संकट के क्षण में जो मदद जिस तरह से भी कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करें। मेरा हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों से एक बार फिर विनम्र निवेदन है, क्योंकि अभी बारिश की चेतावनी लगभग 2 दिन तक और रहने वाली है, ऐसी स्थिति में हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपके परिवार के सदस्यों को भी आप इस बात के लिए कहें कि वो भी अपने घर में परिवार के साथ रहें, ऐसे में बाहर जाने का जोखिम ना उठाएं, क्योंकि बारिश के कारण नदी नाले सब उफान पर हैं। मालूम नहीं कहाँ सड़क टूट जाए, मालूम नहीं कहाँ ऊपर से मौसम के कारण चट्टाने खिसक आएँ और जिसके कारण अपने जीवन को हम संकट में न डालें। ऐसा मेरा सभी हिमाचल वासियों से आग्रह है, निवेदन है कि आप सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिमाचल। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।